मेरी आज की वीडियो में आप जान सकते हैं कि किस तरह आप सिर्फ एक फेशियल किट से हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं, और वो किस तरह से जानने के लिए देखिए माय यूट्यूब वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, होपफुली आप ठीक होंगे। मेरे आज का रिव्यू है डर्माकॉस ब्रांड, डर्माकॉस फेशियल ब्रांड। पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद, बस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक वाहिद ऐसा ब्रांड है जिसको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जो मेडिकेटेड स्किन के लिए दी बेस्ट है। दी बेस्ट मतलब दी बेस्ट, ओके। डर्माकॉस ब्रांड ये तकरीबन 3500 की रेंज में आता है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए, इस एक किट को लेने से आप 20,000 तक अर्न कर सकते हैं अगर आप कस्टमर्स पे अप्लाई करते हैं। एंड अगर आप कस्टमर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते तो आप 20,000 तक पैसे बचा सकते हैं। वो कैसे मैं बताती हूँ। जब आप सैलून में जाते हो तो आप जस्ट वन मेडिकेटेड फेशियल का 3000 to 5000 पे करके आते हैं, ठीक है। जब आपके एक्नी होते हैं, पिंपल होते हैं, स्कार्स होते हैं, पिगमेंटेशन हो रही होती है, तो आप सैलून में जाते हैं, वो आपको मेडिकेटेड फेशियल अप्लाई करते हैं, देन वो यही प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और आप इस एक सेट में सेवन पीसेज होते हैं एक किट में। इसमें वाइटनिंग की रेंज भी है, इसमें हर्बल की रेंज भी है, इसमें मेडिकेटेड की रेंज भी है। आई एम गोना यूज इट मेडिकेटेड रेंज टुडे, ठीक है। और मेरे चेहरे पे ग्लो आप खुद ही देख रहे हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ जी। तो ये था मेरे फेस की पहली हालत, बहुत ज़्यादा स्कार्स थे, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हुई थी, बहुत ज़्यादा डेड स्किन थी, जिसको फिर मैंने यूज़ किया डर्माकॉस जी। तो डर्माकॉस ब्रांड में सबसे पहले 7 पीसेस का सेट होता है, लेकिन मेरे पास इस टाइम 6 है, मैं मास्क यूज़ नहीं कर रही इसका। इसमें सबसे पहले है मेरे पास हेक्सागोनल क्लिंजर, ये क्लिंजिंग करती है इससे। देन स्क्रब है, गुआवा स्क्रब। देन मल्टीपर्पज़ क्रीम है, ग्रे लोशन या ग्रे क्रीम। उसके अलावा सबसे पहले यूज़ होता है फेस वॉश। देन टोनर है जो पोर्स को बंद करने में काम आता है। एंड ग्रे क्रीम के साथ ग्रे क्रीम का लोशन। फैजी मलिक, और ये है मेरा यूट्यूब चैनल, इट्स मी फैजी। प्लीज़ आज की वीडियो में मैं आपको डेमो देने वाली हूँ, रिव्यू इनसाइट देने वाली हूँ। डर्माकॉस ब्रांड का फेशियल ब्रांड है, और आप मेरी स्किन देख रहे हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें डर्माकॉस के कौन सा ब्रांड, कौन सी रेंज यूज़ करनी चाहिए, एंड प्लस कितने ही प्रोडक्ट हमारी स्किन पे रिक्वायरमेंट होती है उतने ही प्रोडक्ट्स हमें लगाना चाहिए। हमें अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन ना कोई पैटर्न नहीं जिसको मान जाए। एंड ये मेरी बास्केट जो अब आप इंशाल्लाह हर वीडियो में देखेंगे, इसके अंदर मेरे डर्माकॉस के ब्रांड्स की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, डर्माकॉस एक वेल नोन कंपनी है पाकिस्तानी, जो बहुत अच्छा मेडिकेटेड प्रोडक्ट है। इसके बहुत ज़्यादा रेंज है, वाइटनिंग है, मेडिकेटेड है, हर्बल है। देन मैंने चूज़ किया है मेडिकेटेड, ठीक है। अब मेडिकेटेड में सबसे पहले जो चाहिए होता है, वो चाहिए होता है जी, इनफैक्ट किसी भी फेशियल में सबसे पहले क्लिंजर यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी क्लिंजर। क्लिंजर यूज़ किया जाता है ताकि फेस पर जो भी आपकी डस्ट हो वो रिमूव हो सके। देन सेकंड पे आपका आता है जी, मेरे पास इस टाइम ग्रे क्रीम है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ होती है, इसको डबल एक्शन भी मार्केट में कह सकते हैं। ठंडी क्रीम होती है ताकि किसी किस्म की सेंसेशन और रिएक्शन ब्लीच के बाद हो तो उसको ये कवर अप कर लेता है। इसके अलावा मसाज क्रीम होती है। देन मेरे पास इसका है स्क्रब, गुआवा स्क्रब, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, इसके दाने बहुत अच्छे हैं, बारीक ज़रात है एंड बहुत कमाल का। देन उसके बाद है जी मेरे पास फेस वॉश है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है मोस्टली, ये मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। देन लास्ट में मेरे पास इसका टोनर है। टोनर आप लोग को स्किन के पोर्स क्लोज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन मेरे पास अगेन मल्टी एक्शन मल्टीपर्पज़ ग्रे लोशन है, ठीक है, ग्रे लोशन। ये दोनों एक ही चीज़ है, ग्रे लोशन एंड ग्रे क्रीम। तो हमें एक कोई भी फेशियल करने के लिए सबसे ज़्यादा सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक क्लिंजर, अच्छा, ठीक है। देन सेकंड हमें चाहिए होती है मसाज क्रीम, एंड थर्ड हमें चाहिए होता है कोई भी अच्छा स्क्रब, बारीक दाने वाला, ठीक है।
ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है। देन उसके बाद आपको पॉलिशर के लिए, पॉलिशर आपको पता है ब्लोंडर पाउडर होता है, देन उसके साथ वॉल्यूम 20 और वॉल्यूम 10 यूज़ किया जाता है। देन लास्ट में आपको जो पोर्स बंद करने, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ भाई इसका फेस वॉश। इसको ओपन करने का तरीका ये होता है कि एक तो ये इस तरह से ओपन होता है, ठीक है, दूसरा ये इसको थोड़ा सा सबसे पहले फेस वॉश, दो मिनट, ओके। थोड़ा सा ड्राई हो गया है जी। सेकंड स्टेप में मैं ले रही हूँ क्लिंजर, ठीक है। अच्छा, इसको भी ओपन करने के, ये जो छोटा जार है इसको ओपन करने के भी दो मेथड होते हैं, एक ये वाला, ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर स्पून भी होता है। फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसको बंद कर दूँगी। एंड जी आपके पास यूजुअली होना तो एक स्पैचुला ही चाहिए, बट आई कैन यूज दैट। क्लिंजर की थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, हाथ के इस जगह पर, ओके। एंड देन मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से टाइट करें और क्लोज करके अच्छे से रख सकें जितना आप। समटाइम आपके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप कभी गलती से भूल जाते हैं ना उसको क्लोज करना टाइटली, तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। आपने ये नहीं करना कि यह लगाया ठैप 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 ठैप, नो, आपने उसको उसी टाइम क्रीम लेके हाथों पे पानी लगा के अच्छे से ब्लेंड ऑफ करना है। और एक कोई भी क्रीम जब आप फेस पे अप्लाई करते हो, देन यू हैव टू ब्लेंड इट ओवर ऑल द फेस, सारे के सारे चेहरे पे ब्लेंड करना है उसको अच्छे से, और उसको तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए छोड़ दें। तब तक अगर आप हाथों को भी करना चाह रहे हैं, देन डू इट। मैं पॉलिशर नहीं लगाऊंगी, अगर आपको पॉलिशर का रिव्यू देना है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बट अभी जो है वो जस्ट क्रीम्स का। नीचे से स्टार्ट करते हुए 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, देन यहाँ से यहाँ 1, 2, 3, 4 and 5, एंड देन आपको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली दिस वे 1, 2, 3, 4 and 5, देन उसके बाद आपका चिन एंड अपर लिप्स एरिया। देन नोज एरिया,
चाहे तो थम्स से ले लें, बट जब आप ऑफ कोर्स जब कस्टमर्स का करते हैं तो आप उसी तरह से करेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि जो आपने ऐसे फिंगर से ही करना है या एक फिंगर से ही करना है, आपकी मर्जी आप पर डिपेंड करता है। आप जिस तरह से करना चाहते हैं उसी तरह से कर लें, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस वही काम आपको हमेशा करना चाहिए। देन उसके बाद नोज टू फोरहेड, क्लिनजिंग को हमेशा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ताकि जितने भी पोर्स या स्किन में हमारे डस्ट एक्स्ट्रा मेकअप पार्टिकल्स हैं तो वो सारे रिमूव हो सकें। ठीक है, अगेन रिपीट। उसके बाद फिर इसको क्लीन करेंगे। रिमेंबर इट, फेशियल प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए। ये कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जैसे ब्यूटी क्रीम्स होती हैं, फेशियल क्रीम्स। तो फेशियल क्रीम एंड ब्यूटी क्रीम दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फेशियल क्रीम्स जो होती हैं वो आपकी स्किन के अंदर से डस्ट निकालने के लिए होती हैं, और ब्यूटी क्रीम्स जो होती है वो आपने स्किन पे लगानी होती है ताकि वो आपके फेस पर एक लेयर बना सके। ठीक है, अब ये हो गया मेरा क्लींजर। चलिए जी, अब मेरा थर्ड स्टेप जो है, पहले मैंने किया था फेस वॉश, देन मैंने किया था क्लींजिंग, और अब मेरा थर्ड स्टेप है ग्रे क्रीम या फिर ग्रे लोशन। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। मैं दोनों की कंसिस्टेंसी आपको चेक करवा देती हूँ। जो ये थोड़ा सा पतला है, ठीक है, दिस इज ग्रे क्रीम, क्लोज इट टाइटली, एंड उसके बाद ये ग्रे लोशन है जी। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो है ना लोशन वो थोड़ा थिक लग रहा है और जो क्रीम थी वो थोड़ी सी पतली लग रही है। अब व्हाट विल आई डू, मैं ये जो एक्सेस है उसको यहाँ से हटा दूँगी एंड उसको एक बॉल में अलग से सेपरेट कर लूँगी ताकि बाद में मैं इसको हैंड्स पर यूज़ कर सकूँ। एंड नाउ मैंने अगेन क्रीम की थोड़ी सी क्वान्टिटी ली है एंड अपने हाथों पर स्प्रेड करते हुए दोनों हाथों पर। देखिए, जब आप छोटे 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 पोर्स लगाते हैं ना वो थोड़ी सी जगह पर रहते हैं, जब आप पानी के साथ मिला के लगाते हैं ना देन आप एक ही बार पूरे फेस पे उसकी एप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, चल अगेन वी हैव टू होल्ड इट फॉर 5 to 10 seconds एंड जब तक फेस पे मैंने अप्लाई किया है तब तक बाकी जो बची है क्रीम उसको आप हाथों पे स्प्रेड ओवर कर लें। देन उसको भी सेम मूवमेंट होनी चाहिए, बट इट्स लाइक अ मसाज क्रीम, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है। जो क्लिंजर था वो थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी थिक थी, इसका थोड़ा सा पतला मटीरियल है। एक चीज़ याद रखिए कि आपके कुछ एरियम, क्योंकि ये मेडिकेटेड है तो जो एक्नी स्कार्स और जो टैन स्किन होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि जाना माना ब्रांड है पाकिस्तान का तो आई थिंक ऐसा कोई भी ब्यूटिशियन नहीं होगी जो डर्माकोस के बारे में नहीं जानती होगी, या ऐसी कोई भी फैमिली नहीं होगी जो सलॉन्स में ट्रीटमेंट करवाने जाते हों और उनको डर्माकोस ब्रांड का ना पता हो। लाइफ में हर किसी ने हर एक बार तो ज़रूर देखा होगा, यूज़ किया होगा। अभी जी मैं भूल गई सारे सब कहाँ से कहाँ शुरू किया था, और मैंने ये हिस्सा जो है ना ये बहुत ड्राई हो चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे विंटर होता है ना। रिमेंबर इट, इसको भी आपने 5 मिनट ही देने हैं, उससे ऊपर टाइम नहीं, 5 to maximum 7 मिनट, क्योंकि आप स्किन को ब्राइट कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो, उसको छीलना नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम देने का मतलब होता है कि आप अपनी स्किन के साथ जो है वो फेयर नहीं कर रहे हो,
कि अगर आपको स्किन सॉफ्ट करनी है तभी आप उसको रिपेयर करो। रिपेयर करने का मतलब होता है कि आप ऊपर की डेड स्किन और पुरानी स्किन हटा दो एंड अंदर से जो बेबी स्किन है जो हर इंसान की होती है वो जो है वो बाहर आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आईज़ क्लीन करते हैं। रीज़न इज़ दैट कि हर बंदे को ये होता है कि मैं आँखें खोल के देखूँ कि क्या हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद हमेशा रिमेंबर इट कि आपने नेक के एरिया क्लियर करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं डिफरेंस। देन अपवर्ड, कभी भी मसाज क्रीम या कोई भी मल्टीपर्पज़ क्रीम हो तो उसके बाद आपने अपवर्ड डायरेक्शन ही रखनी है, स्पंज की हो, हैंड मूवमेंट हो या जो भी। नाउ आई शो यू द रिजल्ट ऑफ दिस क्रीम, लुक एट दिस। ये भी ठीक है। नाउ जी दिस वन इज डन, अब हो गए अभी लास्ट। ये है स्क्रब, माई फेवरेट। इसकी खुशबू कच्चा अमरूद होता है ना गुआवा, उसकी बाहर वाली जो क्या कहते हैं अमरूद का छिलका एंड उसके बीज दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर देना बिल्कुल फाइन, तो ये बनेगा। अच्छा, अब स्क्रब का गर्दन के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं होता, अनलेस कि अगर आपकी गर्दन के ऊपर आपकी नेक पर स्कार्स हैं, कोई आपके किस किस्म के स्पॉट्स हैं तो, लाइक जैसे मेरे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तब मैं उसको अप्लाई करूँगी, अदरवाइज नहीं। सेम एज इट इज़ उसको अपने हाथ पे, अपने पाम पे अप्लाई करना है, देन थोड़ा सा वाटर लगा के अच्छे से हैंड्स पे अप्लाई कर दिया। थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, फेशियल क्रीम्स का मतलब ये नहीं होता कि आप स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करते हो उसको, यू हैव टू टेक द डस्ट आउट। आपने सारी डेड स्किन उतारनी है, आपने स्किन के जो डेड स्किन है और डस्ट है, किसी किस्म के एक्नीज है, पीप है उनके अंदर, वो सारा आपने बाहर निकालना है इन क्रीम्स की मदद से, ना कि इन क्रीम्स को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लें। अभी आपने बहुत लाइट हैंड रखना है नेक पर, अगर आप कर रहे हैं तो, वैसे नेक पर जरूरत नहीं होती है स्क्रब की, स्क्रब क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको ये होता है कि हमें ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, वो भी लगा दो, एंड देन थोड़े से ऐसे के बाद क्या होता है, फॉर द मेन टाइम तो द स्किन कैन ग्लो, वो प्यारी लग रही होती हैं, डिसेंट लग रही होती हैं, गोरी चिट्टी हो जाती हैं, देन दो दिन चार दिन के बाद उनके फेस पे एक्नीज आ जाते हैं, उनको गर्दन पे खारिश होने लग जाती है। तो ये होता है जी इन क्रीम्स का डिसयूसेज, जो आपको पता नहीं होता ना जब आप तजर्बे करते हैं, वो हो नहीं जी मुझे तो पता है, फेशियल में क्रीमें लगा के रगड़नी है, मसाज करना है, गोरे चिट्टे हो जाओ, देन फिर बाद में जब आपके बैक टू बैक एक्नी हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है, रिंकल्स यहाँ पे, लाइन यहाँ पर, ये हिस्सा अलग काला हो जाता है, ये हिस्सा ब्लैक हो जाता है, माथे पे आपके ये जगह पे बहुत ज़्यादा एक्नीज बन जाते हैं, तो उसका बिल्कुल भी ताल्लुक आपके मैदे से या आपके जो लीवर से, या आप कम पानी पीते हैं तो उससे, ज़रूरी नहीं कि आपका हार्मोनल ऑर्डर ही हो, वो भी होता है, बट ये मेजर रीज़न यही है कि आप जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना वो। अब स्क्रब आपने उस जगह पर ज़्यादा देना है, लाइक मेरे यहाँ पर हैं स्कार्स, स्कार्स मतलब जख्मों के निशान या दानों के निशान या एक्नी हुए थे और उनके निशान रह गए, ठीक है, तो आई कैन यूज माई दीज टू फिंगर्स एंड यहाँ पर जी मेरा एक मार्क है, यहाँ पर एक है मेरा एक, अच्छे से जहाँ जहाँ भी आपको लगा ना आपका हिस्सा डार्क है और डेड स्किन है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई है वो हिस्सा, उसको आपने यानी कि रगड़ ही देना है लाइटली हैंडेडली, लाइट हैंडेडली, अच्छा इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर जो प्रोफेशनल क्लासेस होती हैं जो ब्यूटिशियंस देती हैं मैं वो स्टार्ट करूँ, बट नॉट नाउ क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनिटाइज नहीं हुआ है, तो जैसे ही होगा देन डेफिनेटली आई विल डू माई बेस्ट जिससे आप लोग को घर बैठे हेल्प हो सके। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं, इवन तो बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि मिस आप प्लीज़ अपना चैनल स्टार्ट करें, ताकि हम लोग आने जाने का इशू होता है, हम लोग नहीं समटाइम मिल सकते, समटाइम आपकी टाइमिंग हमारी टाइमिंग मैच नहीं होती है, तो इस वजह से मैं ज़रूर करूँगी, बट जस्ट थोड़ा सा अरसा मुझे रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा टाइम, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, मेरी वीडियो अच्छी अच्छी बने, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।
ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी मैसेजेस, अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूँ, और उसके अलावा ब्लॉग ब्लॉग एंटरटेनमेंट सब चलता रहता है। अगर देन अगेन ये मेरी लास्ट स्क्रीन थी। अब लास्ट स्क्रीन के बाद आपको डेफिनेटली मास्क अप्लाई करना होता है। अभी जस्ट मास्क एप्लीकेशन रह गया है, देन उसके बाद अच्छा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मसाज क्रीम जो है वो लास्ट पे लगाते हैं जिससे उनका फेस जो है ना वो और ज़्यादा चमकने लग जाता है, ऐसे लगता है जैसे ऑयली हो चुका है। ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग दैट। मैं लास्ट में स्क्रब यूज़ करती हूँ, स्क्रब और स्किन पॉलिश जो भी बारीक दाने का हो मैं वो पसंद करती हूँ काम करना, उससे उसको अप्लाई करती हूँ। एंड नाउ आप देख सकते हो मेरी स्किन, सी इट्स ग्लोइंग, एटलीस्ट नीट हो गई। अभी मैंने पॉलिशर नहीं लगाया जी, तो इसके बाद मैंने लगाया मड मास्क और ये मैंने नीचे से ऊपर की तरफ एप्लीकेशन की मास्क की। मास्क मैंने सिंपल पानी में डिप किया था और उसके क्रीम सी बना ली थी, पेस्ट किया था। मास्क को ड्राई होने के बाद मैंने अच्छे से इसको न्यू साफ़ सुथरे पानी से दोबारा से स्पंज लेकर साफ़ किया। अच्छा, जब आपने मास्क साफ़ करना है ना तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत ही टूटे हुए हाथों से काम करें, आई मीन टू से कि बड़े ही सॉफ्ट हैंडेडली काम करें, ताकि जो इतनी मेहनत करके हम मास्क लगाते हैं पूरे पोर्स जो है वो क्लीन करने के बाद, स्किन क्लीन करने के बाद हम मास्क लगा के उसको पोर्स को क्लोज करते हैं या मिनिमाइज़ करते हैं, उसको हम एक ही बार में रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं तो हमारे जितनी स्किन टाइट हुई होती है वो सारी फिर से लटक कर झुरियाँ वाली बन जाती है या फिर लूज स्किन हो जाती है। तो मास्क लगाते हुए या मास्क उतारते हुए हमें इस का ख्याल रखना है, ख़ास ख्याल रखना है कि हम सॉफ्ट हैंडेडली उसको रिमूव करें। और जी ये मैंने रिमूव कर लिया और मैं चमक गई। फेशियल इज़ अ ब्यूटी ट्रीटमेंट ऑफ फेस, हमेशा याद रखिएगा कि फेशियल फेस को ब्यूटीफाई करने के लिए होता है, ना कि गोरा चिटा। सबकी स्किन टोन डिफरेंट होती है, कोई बहुत फेयर टोन का होता है, कोई सांवली रंगत का होता है, लेकिन फेशियल का मतलब होता है कि डस्ट रिमूव करना और स्किन को रिपेयर करना। अब जी याद रखिएगा यहाँ पे वो वाले हाथ यूज़ करना है जिसमें हमें काम करते हुए मौत पड़ती है ना, वो वाले। जैसे अम्मी कहती फायजा बर्तन धो दो, तो मैं कहती हूँ अच्छा अम्मी, तो टूटे हाथों से जब हम बर्तन धोते हैं ना, सेम इसी तरह से बहुत ही हल्के से हाथों से आपने जो है वो फेस को क्लीन करना है, क्योंकि फेस है हमारा, कोई बर्तन नहीं है जिसको हम मांजे रगड़ रगड़ के। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने फेस को स्मूथ हाथ लगाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ने ना दें। और फिर उसके बाद जी मैंने लगाया टोनर, थोड़े से टोनर की क्वांटिटी मैंने ली और उसको हाथ पर निकाल कर ये जी फेस पर थपथपा दिया और ये हो गया मेरा फेशियल कंप्लीट। और थोड़ा गरम गरम होता है, ये गरम गरम फीलिंग आ रही थी इसलिए मुझे थोड़ी हवा करनी पड़ी और उसके बाद सब फिट था। और ये सारा कंप्लीट होने के बाद आई वाज सो हैप्पी कि मेरी स्किन से जितना भी टैन था, डेड स्किन थी, सारे रिमूव हो गया। हालांकि मैंने पॉलिशर भी नहीं लगाया था, आप देख सकते हैं, जस्ट मैंने क्रीम्स का मसाज किया और मेरी तरफ से जी फुल्ली रिकमेंडेड है। और अब मैं आने लगी अपने ओरिजिनल हुलिये में। आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं, मेरी स्किन बिल्कुल नीट हो चुकी है। आप इसको खुद ही देख लें कितना डिफरेंस आ रहा है, ग्लोइंग हो रही है और वो ज़्यादा मैंने कलर फेयर नहीं किया लेकिन ग्लो कर रही है, डिफरेंस देखेगा। इस छोटे से तकरीबन 3000 की से किट से अगर आप इसको सलोन में यूज़ करते हैं तो आप 20,000 तक कमा सकते हैं, और अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं तो आप 20,000 तक बचा सकते हैं। सैलून जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ये प्रोडक्ट्स घर पर लेके आएँ, इनको यूज़ करें, 2 साल तक ये एक्सपायर नहीं होते हैं एंड आई थिंक 2 साल से ज़्यादा ही। नंबर 1 क्लिनजर, नंबर 2 स्क्रब एंड नंबर 3 मसाज क्रीम और मल्टीपर्पज क्रीम। ये रही मल्टीपर्पज ग्रे क्रीम, ये 3 क्रीम से आप पूरा फेशियल कर सकते हैं एंड आपको मास्क चाहिए होता मास्क, बट ओवरऑल
आई विल गिव यू थम्स अप टू दिस प्रोडक्ट। मेरी तरफ से जी फुल्ली रिकमेंडेड है, आप इसको यूज करें। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई रियली नीड योर सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।